वेलकम गाइस, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं यहाँ पर राजस्थान के एक गांव में आया हुआ हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो पुराने टाइम की, यानी कि 100 से 200 साल पुराने पानी की व्यवस्था किस तरह से होती थी, किस तरह से खेती होती थी। तो उसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में इस वीडियो में या इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर दोस्तों आ चुका हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हम व्यवस्था किस तरह से राजस्थान के लोग, पुराने ज़माने के लोग, जो आज से 100-200 साल पहले किस तरह से खेती करते थे, पानी कैसे निकालते थे, कैसे पानी की व्यवस्था होती थी, तो उसके बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो अभी दोस्तों फ़िलहाल में, जैसे कि आप यहां पर दोस्तों देख पा रहे हैं, ये देखो गाइस, आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे ये बड़े बड़े पत्थर हैं और ये चारों ओर खेत है, ठीक है। तो अभी ये दोस्तों बंजर है क्योंकि दोस्तों पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो पहले के जो आज से 100-200 साल पहले या फिर 50 साल पहले जो यहाँ पर पानी हुआ करता था, तो यहाँ पर खेती होती थी। तो अभी दोस्तों फ़िलहाल हम बात करेंगे किस तरह से खेती होती थी। तो गाइस, यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पानी क्या, कहाँ से निकालते थे, किस तरह से निकालते थे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले यह क्या करते हैं राजस्थान के लोग, जो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कुआं खोदते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस तरह से कुआं खोदते हैं। तो फिलहाल आप देख पाएंगे गाइस, ये जो है मतलब दोस्तों कुआं की गहराई भी आपको अगर आप देखेंगे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा अंदर, आगे अंधेरा है तो आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो अंदर बहुत सारे कबूतर वगैरह हैं। तो इतना गहरा कुआं खोदते हैं पहले, और आप देखेंगे गाइस यहाँ पर जो ये कुआं है, वहाँ नीचे तो मतलब दोस्तों आधे तक तो मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे मतलब कुआं के अंदर, ज़मीन के अंदर ही मतलब दोस्तों पत्थर हैं। तो देख सकते हो गाइस, ये पत्थर हैं, तो फिर मतलब इसको ज़्यादा मतलब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे ये पत्थर हैं। इसके बाद में यहाँ से दोस्तों छोटे छोटे पत्थरों से इसकी चुनाई होती है, जैसे कि दोस्तों कोई भी घर वगैरह चुनते हैं। तो इनकी कारीगरी आप देख पाएंगे, देखो गाइस बहुत ही बेहतर कारीगरी। और एक बात आपको नोटिस करनी है गाइस, यहाँ पर देखिएगा कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, वो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के लोग हैं, पहले के लोग हैं, वो कितने मजबूत या फिर दोस्तों कितने पावरफुल होंगे जो इतने बड़े पत्थर और ऐसी जगह पे, जो कि दोस्तों इतनी संकरी है और वहाँ पर जहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ तक लेके जाके यहाँ पर दोस्तों ये जो है इसकी चुनाई करते थे। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा, ये कुआँ बनाते थे इस तरह से, ये कुआँ बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले खोदते, और इसके बाद खोदने के बाद ये जो है मतलब दोस्तों जो भी इनसे निकलता था, जो भी पत्थर वगैरह कचरा वगैरह निकलता, तो वो साइड में इस तरह से पकड़ा जो है बिखेर देते थे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से बिखेर दिया ये सारे के पत्थर वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे, और फिर लेके आते हैं बड़े बड़े पत्थर, और वहाँ से यहाँ इस तरह की चुनवाई करते हैं, ठीक है। चुनाई करने के बाद दोस्तों ये जो होता था पक्का, ठीक है। पक्का होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो गाइस, ये छोटे छोटे ऐसे इस तरह के छेद होते थे, तो यहाँ से पानी आता था और पानी यहाँ पर नीचे जो है इकट्ठा हो जाता था। तो जगह जगह इस तरह का मतलब इनके छेद जो है रखते थे। तो नीचे आप देख पाएंगे और भी हैं, ये देखो गाइस। तो इस तरह से जो है, ये जो है मतलब इस छेद से जो पानी गिरता था, वो यहाँ पर इस पूरा का पूरा ये कुआँ है वो भर जाता था। फिर दोस्तों आगे के ये जो हैं मतलब कि दोस्तों ये जो पत्थर हैं, एक इस साइड में, ठीक है, और ऐसे जो हैं यहाँ पर दो पत्थर हुआ करते थे। तो गाइज अभी एक पत्थर यहाँ पर है, तो ऐसे लंबे लंबे दो पत्थर हुआ था, यहाँ पर बेल्ट वगैरह लगता था और वहाँ से पानी वगैरह निकलता। जैसे कि दोस्तों वो वाला काम नहीं आता, तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, ये एक ये है, एक ये है, तो ये दो पत्थर हैं जो साइड में निकले हुए। तो गाइज यहाँ पर क्या करते थे कि इन पत्थरों पे जो है बेल्ट लगते थे, और फिर मशीन लगती थी, ठीक है ना। मशीन कहाँ लगती थी, मशीन के लिए स्पेशल एक मतलब बड़ा पत्थर रखते थे। तो अभी मैं आपको, यहाँ पर मशीन है नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि भाई मशीन किस तरह से यहाँ पर मशीन लगती थी। फिलहाल मैं यहाँ पर दोस्तों आ चुका हूँ, तो ये है मशीन वाला पत्थर, ठीक है, ये मशीन वाला पत्थर है। तो गाइज आपको मशीन वाले पत्थर की कैसे पता चला, तो यहाँ पर देखो गाइस ये छेद है, देखो एक ये छेद है, एक दो और ये तीन, चार छेद यहाँ पर होते थे, और बाकी के जो और भी जो मशीन वगैरह लगती थी वो यहाँ पर इस पे लगती थी। तो फिलहाल क्या होता था गाइस, यहाँ से जो मशीन चलती थी, वो जो पानी निकलता था, वो पानी सीधे दोस्तों इस वाली जो है मतलब ये जो बनी हुई है इसमें आ जाता था, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी है, तो जैसे जैसे चलता रहता वो इसमें आता है पानी, और इसके बाद में दोस्तों इसके क्या करते हैं, यहाँ पानी गिरता, तो यहाँ पर पानी जहाँ पे गिरता था ना,
वहाँ पे ये पत्थर लगाया हुआ मजबूत, ठीक है, तो यहाँ से कोई तरह का मतलब लीकेज वगैरह नहीं होता था। इसके बाद में दोस्तों क्या होता था कि ये जो पत्थर हैं मतलब कि गाइस ये जो है मतलब यहाँ पर आ जाते, और यहाँ पर अब देखो सिस्टम क्या रखता है, सिस्टम है छोटा सा यहाँ पर छेद रखते थे ये, तो जो भी मतलब कुछ था उनके पास इसको बंद करते और फिर यहाँ पानी मतलब दोस्तों अगर इधर भेजना होता तो गाइस इसको बंद कर देते थे, ठीक है, और अगर इधर पानी भेजना है तो इस साइड वाले को क्या करते हैं बंद करते थे। और अभी ये टूट गए, देखो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फिर बाद में सीमेंट वगैरह भी लगाई होगी तो यहाँ से टूट गए, तो फिर यहाँ पर इस तरह से बंद करने की व्यवस्था थी, ठीक है, तो फिर यहाँ से पानी निकलता, यहाँ से निकलते ही दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर देखो गाइस इस तरह की मतलब पत्थरों की यहाँ से लेके जहाँ तक भी पानी लेके जाना था वहाँ तक ये जो है यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से जो दिख रही होगी तो वो सारी की सारी खाई है वो पत्थर की बनी हुई होती। तो अगर आप दोस्तों देख पाएंगे एग्जांपल के रूप में अगर आप देख पाएंगे तो गाइस यहाँ पर देखो गाइस ये जो सारे अब पत्थर है वो ले गए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये देखो यहाँ पर खाई बनी हुई है दोनों और मतलब पत्थर है ये भी पत्थर यहाँ पर देखो इस तरह से फिर ये खाई जाती थी मतलब दूर दूर तक वहाँ से, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से यहाँ से पानी निकलता और वहाँ पर जाता और ये जो भी यहाँ पर जो सारे के सारे बंजर है ये जो ज़मीन दिख रही है यहाँ पर खेती होती थी। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान में अभी वर्तमान में किस तरह से पानी पीने की व्यवस्था है और अभी पहले कैसी थी, तो गाइस पहले की व्यवस्था आपने सारी की सारी देख ली है, ये सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पर देखेंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल, तो रहने के लिए क्या करते थे, देखो गाइस ये है मतलब कुछ यहाँ पर बनाया हुआ ये इस तरह के, तो अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे देखो गाइस ये है रहने की मतलब कुछ व्यवस्था, ठीक है, तो यहाँ पर मशीन वगैरह ये जो भी मशीन का कुछ पार्ट या सिस्टम वगैरह होता था वो इसमें होता था, बाकी का रहने के लिए इस तरह की मतलब की व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर चारों ओर जो है बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर खड़े हैं और इधर थोड़ी दीवार है कच्ची दीवार और इसके ऊपर ये देखो गाइस एक ये बड़ा पत्थर है ये, ठीक है ना, खम्बा ये खड़ा है एक दूसरी उधर साइड में, इसके दोनों के ऊपर एक बड़ा सा मतलब भी दोस्तों रखते थे दोनों के ऊपर बड़ा सा कोई भी मतलब लकड़ी का बड़ा लठ यहाँ पर रखते और उसके ऊपर से मतलब जो भी है मतलब कुछ चीज़ें रख के मतलब वो छा देते थे, ठीक है ना, ये जैसे कि दोस्तों ये है, तो इस तरह का फिर यहाँ से काटते इसको जब ये कच्ची होती थी काट के उसको सिंपल करके फिर यहाँ से छा देते, तो बहुत ही ठंडी हवा आती थी और बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी थी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गाइस ये जो है इस तरह की ये सभ्यता थी, या फिर हम देखेंगे मतलब कि पुराने समय में इस तरह से लोग हैं वो पानी पीते थे या फिर रहते थे, तो ये सारी की सारी ज़मीन यहाँ से जो है पानी मतलब दोस्तों खेती होती थी। तो ये गांव से थोड़ा सा दूर हैं, तो गाइस यहाँ पर मैं गांव आपको जूम करके बताऊंगा अभी दोस्तों फ़िलहाल, तो यहाँ पर देखेंगे ये गांव है, ठीक है, तो अब दोस्तों चलते हैं हम देखेंगे अभी वर्तमान में किस तरह का पानी की व्यवस्था है, ये जो टंकी बनी हुई है वहाँ पर किस तरह से पानी पीते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ में दोस्तों हम बताएंगे चाइना के गांव कैसे हैं, थाईलैंड के गांव कैसे हैं, और साथ में जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे बेहतरीन ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं गाइस यहाँ पर मैं आपको एक एक ब्लॉग के अंदर बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट बातें मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ की गाइस अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप या फिर दोस्तों इंटरनेशनल ब्लॉग देखना है चाइना में, देखो गाइस चाइना है वो मतलब कि चीन की अगर बात करें तो वो मतलब वहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो आती है वहाँ से, और उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे वहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी रहेगी हिमालय के उस साइड में है तो बारिश भी होती है बर्फ़बारी भी होती हैं, तो वहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो चाइना, और अगर हम दोस्तों थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में एक चीज़ बताऊं गाइस, यहाँ पर थाईलैंड में जो है सर्दी आती नहीं है, या तो गर्मी, ठीक है, या बारिश, तो दो चीज़ें, अभी दोस्तों गर्मी चल रही है कुछ टाइम बाद में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारा का सारा बंजर मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैं जा रहा हूँ तो आप भी यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन देख पाएंगे कि यहाँ पर पानी किस तरह से राजस्थान के लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे वहाँ टंकी के पास जाके और फिर बात करते हैं। तो वेलकम गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था
तो यहाँ पर देखो गाइज, एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया है, वो पानी पी रही है, तो इसको पानी पीने दे। अब हम बताएंगे यहाँ की पानी पीने की व्यवस्था किस तरह से है, क्योंकि अभी अभी मतलब दोस्तों जो आधुनिक या फिर जो नए युग की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो गाइज, ये जो बनी हुई है मतलब ये गायों के लिए और जो भी पशु पक्षी है वो यहाँ से पानी पी पाएंगे। और ये जो है टंकी है, ये देखो गाइज, ये टंकी बनी हुई है और यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पर देखने की व्यवस्था है कि आप ऊपर चढ़ के देख सकते हो कि भाई कितने पानी है कितना नहीं है। बाकी ये जो है मतलब कि अगर हम बात करेंगे यहाँ से ऊपर तक मतलब कि पानी जाने का, ये जो नहर का पानी आता है तो उसका पानी है वो मतलब कि यहाँ पर जाता है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर क्या व्यवस्था कर रखी है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पर इधर बोरवेल है, तो भाई यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। और देखो गाइज, इस तरह का यहाँ पर व्यवस्था है, तो यहाँ पर इसको दबाना है। दबाते ही दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब कि ये शुरू हो चुका है, अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ट्यूबवेल में बोरवेल है तो वहाँ पर पानी आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर पानी आएगा और ये बोरवेल है वो वहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप इस बोरवेल को चलाते हैं और पानी आता है, तो फिर मतलब यहाँ पर जो भी है मतलब पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर इस तरह की है। तो हम पानी आने तक की वेट करेंगे। तो गाइज, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि मैं अभी जो नेक्स्ट मंथ है वो मैं थाईलैंड जाने वाला हूँ। तो थाईलैंड के गांव कैसे हैं और थाईलैंड में किस तरह से आप कौन सी जगह पे घूमना मतलब घूम सकते हैं, इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे थाईलैंड के अलावा चाइना और जो है चाइना के गाँव किस तरह के हैं, पाकिस्तान के गाँव किस तरह के हैं। जैसे कि गाइज आप देख पा रहे हैं ये पानी है वो इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो गाइज ये देखिएगा पानी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल में इस तरह से ये है, यहाँ पर आता रहता पानी। और गाइस ये जो है पूरी टंकी भर जाती है पानी की, ठीक है। तो इस तरह से मतलब गाइस ये जो है मतलब राजस्थान में अभी पानी की व्यवस्था है और पशु पक्षी यहाँ से पानी पीते हैं और बाकी के जो भी लोग भी होते हैं वो भी यहाँ से पानी लेके जाते हैं, मैं भी पी लेता हूँ यहाँ से। बहुत ही ठंडा पानी है, मज़ा आ गया देख के और पीए तो मतलब एकदम मस्त मज़ा आ गया। तो गाइज मैं चाइना वगैरह बहुत सारे ट्रैवल करता रहता हूँ, तो गाइज़ आप जो हैं जो भी चाइना या फिर दोस्तों बहुत ही थाईलैंड के जो भी गांव वगैरह देखना चाहते हो बांग्लादेश के, ठीक है ना, तो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ, ब्लॉगिंग के साथ। तब तक धन्यवाद।